कल त्योहार की तैयारी और यहाँ पे हो रही है सफाइयाँ और लिपाई पुताई। तो ये देखो, ये घिसने वाला हमारा कमरा है, ये वाला रूम जहाँ दादी रहती है, और सारे तो सीमेंटेड है। ये वाला रूम भी सीमेंटेड है जहाँ मैं रहती हूँ। ये मम्मी पापा का है, मतलब ये बैठक है, मैं रहती नहीं, ये बैठक है, ये मम्मी पापा का है। और ये भी एक रूम है, और ये देखो, ये मिट्टी और गोबर से, इसकी मिट्टी गोबर और पानी से ये देखो लिपाई होती है। इसके बाद हम जाएंगे किचन में नीचे जहाँ आग जलती है। तो इस तरीके से गढ़वाल में त्यौहार के दिन सफाइयाँ होती हैं। चूना बानिश तो जब इसकी शादी होगी तभी होगा, अदरवाइज़ देखो आप कितने बुरे हाल हो रखे हैं देखो। तो ये वीडियो है मेरे मायके का, और ये मकर संक्रांति के अगले दिन की वीडियो थी जो कि घिसाई पुताई हो रही थी गांव में, और मेरी मम्मी आई थी बर्तन धोने, तो मैं और हनी भी आए थे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहीं से नीचे से हम लोग आते हैं जब भी, मतलब मार्केट के रास्ते भी यही है, और नीचे आपको रोड दिख रही होगी। तो गांव में सबसे अच्छा है इस तरीके से खुले में बर्तन धोना, है ना। और आज है मकर संक्रांति के अगले दिन की जो रात होती है गांव में, उस दिन कलेवा बनता है, कोई पूरी बनाता है, कोई पकौड़ियाँ बनाता है, और पूरे गांव में इसको बांटा जाता है। तो आप कढ़ाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा बनने वाला है। और कोई सूजी का हलवा बनाता है, कोई आटे का बनाता है, और मेरे पापा लोग बना रहे थे चावल का हलवा, और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति गो गए 10 दिन से ऊपर हो चुका है, और अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मायके से आने के बाद, मुझे सर्दी जुकाम फीवर हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड्स नहीं कर पा रही थी, और एडिटिंग करना था, एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने कहा पहले तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसके बाद अपलोड करूँगी। और हम सब लोग बैठे हुए थे, और हनी, वो देखो पीछे मेरी बहन की बेटी, मेरी दादी, और ये देख सकते हो आप चावल का आटा, इसको पीस, चावल के आटे को सीधे चावल मतलब पीसना है, और उसके बाद ये आटा तैयार हो जाता है, और सीधे इसको तेल में भूनना है। उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें मीठा ऐड करेंगे जैसी क्वांटिटी में आपको मीठा चाहिए, और उसके बाद उसमें अच्छे से इसको भूनने के बाद प्रसाद की तरह इसको बनाना, चूर्ण की तरह इसको बनाना है, और फिर इसको इसके ऊपर पानी डालना है। और नीचे थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, और पापा बना रहे थे, आप कढ़ाई देख सकते हो, मेरी बहन उसमें चावल का आटा डालने पे लगी हुई थी, और आपको पीछे से एक कंटेनर दिख रहा होगा, ये जो जस्ट इसके पीछे से है, तो उसमें पानी गर्म करके रखा हुआ है, और वो हमेशा इस चूल्हे के वहाँ पे रहता है, क्योंकि उसमें हमेशा पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, रखा रहता है। और ये देखो गुड़, इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, इसमें गुड़ वाला बनाएंगे। चावल का आटा को चावल के आटे का हलवा और उसके साथ गुड़, तो आप देख सकते हो पापा ने इसको बहुत अच्छे से पका दिया है, और इसको गुठलियाँ नहीं बनने देना है, नहीं तो कच्चा रह जाता है, और काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने वीडियो कट कट करके बनाई है, क्योंकि पूरा बनाते तो पूरा बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। और मम्मी ने अब इसमें गुड़ ऐड कर दिया है, तो गुड़ को भी पकाएंगे अच्छे से, और कई लोग ऐसे करते हैं गुड़ को पानी के साथ मिक्स करके फिर डालते हैं। और ये देखो मम्मी डाली है पानी, और पापा करछी, करछी आप देख सकती हैवी है ना, उसको उठाना मेरे बस की तो नहीं थी, और इतना ज़्यादा ये बन चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि है ना, एक तो फैमिली भी बड़ी है, और फिर पूरे गांव में और जितनी भी लड़कियां आई रहती हैं मायके, उन सबको जाता है ये हलवा। और ये पापा पहले इसको अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठे ना बने, गांठ बनेगी तो ये पकेगा नहीं, और इसके बाद फिर से इसमें पानी ऐड होता है, और आप देख सकते हो इतना टेस्टी होता है इसका हलवा, मैं बता नहीं सकती आपको, चावल के आटे का हलवा। और ये देखो बहुत ही अच्छे से मेरे पापा ने इसको बना दिया है, और इसमें ना जिसके हाथों में जान होगा वही इसको बना सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है। चावल का आटा, हलवे में ताकत इसलिए लगानी पड़ती है, दोनों वो बहुत टाइट भी हो जाता है, उसको घुमाना पड़ता है अच्छे से,
फेंटना जैसे पड़ता है उसको, ताकि उसमें गांठें ना बने। और कितना सॉफ्ट हलवा बना हुआ है। इसके बाद इसमें शायद पानी और ऐड करते हो, क्योंकि अभी भी टाइट है थोड़ा सा, हल्का सा इसको। और मुझे उस टाइम पे लगा कि शायद ये हलवा बन चुका है, लेकिन पापा ने कहा इसमें और पानी ऐड करते हैं। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी इसमें ऐड हो चुका है। और चावल का आटा हो या फिर गेहूं का आटा हो, पानी जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा बनता है, उतना अच्छे से पकता है, कच्चा नहीं रहता है। और फिर इसको अच्छे से पकाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, और सुबह के टाइम पे जो मकर संक्रांति वाला दिन है उस दिन का है। तो ये हमारे भूमियाल, भूमियाल देवता कहते हैं, यहाँ पे भूमियाल जी रहते हैं। और ये मंदिर खेतों के बीच में है। तो ये छोटी सी क्लिप मेरे भाई लोगों ने बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मॉर्निंग के टाइम पे पापा ने, जब दाद मम्मी लोगों ने पूरी पकौड़ी बना दी थी, तो सबसे पहले भूमियाल देवता को, कोई भूमियाल देवता को पूजने गई पापा। और फिर हमारे जो गांव की भगवती है, वो हमारे बड़े ताऊ जी हैं जो गांव के, उन्होंने पूजा करी। फिर उसके बाद जो पूरी पकौड़ी है वो बांटी। और ये सुबह का टाइम की वीडियो है। और हनी और मेरी बहन की बेटी दोनों नाना को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। एक कह रहा था मैं खेलूँगा नाना के साथ, एक कह रहा था मैं खेलूँगी नाना के साथ। और फिर इसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई मकर संक्रांति के दिन। आपको पूरी पकौड़ी भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और इतनी ज़्यादा गांव में ना 11-12 परिवार हैं, और सभी के वहाँ एक एक पूरी पकौड़ी और चाय पीने जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो इतने में 11-12 जगह अगर चाय पकौड़ियाँ पियोगे आप, तो सोच सकते हो आपकी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा चाय और पकौड़ियाँ, तो मुझे गर्म की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये देखो ये लड़ने पे लगे हुए हैं दोनों के दोनों। और हनी तो बहुत मिस कर रहा था इधर आने के बाद अपनी तृप्ति दीदी को और नाना को, क्योंकि वो यहाँ पे अकेला है, इसलिए उसकी है ना, उसको बहुत याद आ रही थी वहाँ पे। और ये पढ़ाई करने लग गई। और ये है मकर संक्रांति के दूसरे दिन का वीडियो, यानी कि 15 तारीख का। और हमने बनाए थे नींबू की खटाई। और सभी लोग गांव में, जितने भी लोग, ये ताई लोग, मेरी ताई और चाची लोगों का घर है, यहाँ पे हम गए थे बनाने के लिए। और ये देखो खाने वालों की कमी नहीं थी। बाद में मेरे को थोड़ा सा बचा, ये मेरी ताई की लड़की थी, मैं और वो ही बना रहे थे। हमने नींबू हम लेके आए गांव में, मांग करके, मतलब मांग करके किसी ताई से। और उसके बाद देखो गांव में खटाई इस तरीके से खाई जाती है, जो कॉपी के पन्ने थे उसमें थोड़ा थोड़ा सा सबको बांट के, फिर इसी तरीके से हमने कहा। इतनी टेस्टी बनी हुई थी मैं बता नहीं सकती आपको। और क्योंकि भंगजीरे का नमक हमने पीसा हुआ था, उसमें लहसुन सब कुछ डाला हुआ था, और ऊपर से उसमें शहद इतना ज़्यादा डाला था हमने कि क्योंकि ना अगले दिन हमने पूरी पकौड़ी इतनी ज़्यादा खा दी थी कि शरीर बिल्कुल फीका हो गया था। इतनी ज़्यादा हमने चाय पी ली थी कि शरीर ऐसा हो रहा था कि कुछ खट्टा खाना है, कुछ मिर्ची वाला खाना है ना, और तेल वाली चीज़ें खाने के बाद इसी तरीके से फीका सा हो जाता है शरीर। और सभी लोग देख सकते हैं आप, इनको बांटने पे लगे हुए हैं, हम देने पे लगे हुए हैं। और कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि बांट, पता चल रहा जो बांट रहा उसी को ना मिले। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलना चाहिए, चखो सभी लोग। और धूप भी ऑलमोस्ट जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे मायके में 2-2.5 बजे के करीब धूप चली जाती है, ससुराल में भी 2.5 बजे करीब धूप चली जाती है, बट अगस्त मुनि में 5:30 या 5 बजे तक धूप रहती है। और इसलिए मुझे वहाँ पे शायद ठंड हुई, पता नहीं क्या हुआ, गर्म हुआ, मुझे नहीं समझ आ रही है। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं यहाँ पे आके ना, तो मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं इन वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड करूँ। और आज मैंने हिम्मत जुटा के मैंने कहा नहीं यार अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनवाया है, बनाया है वीडियोस, और मैं अपलोड नहीं करूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और 1 मंथ के बाद करूँगी तो फिर कोई वो नहीं है, क्योंकि 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। और अभी शाम का टाइम है, कल हमको सुबह
जाना है अभी शाम को, और मतलब शाम को बनेंगे आरसे रोटने जो बनते हैं हमारे लिए, जब दिहाड़ियाँ आती हैं बोलते हैं गांव में, तो उनको कलेवा दिया जाता है। और मार्केट वाले लोग अपने बेटियों को जब ससुराल भेजते हैं तो मिठाई देते हैं, गांव में वो आरसे और रोटने बनते हैं। तो शाम को उसका काम होगा, अभी ये लोग खेल रहे थे बच्चे, और नहीं वो काम कल होगा, आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को हनी के पापा हमको लेने आएंगे, और कल शाम को ही वो काम होगा। और ये देख सकते हो आप इनकी मस्ती, ये एक मेरी ताई की लड़की है, दूसरी दूसरी भी उन्हीं की लड़की है, और वो मेरा हनी, तो हनी के दोस्त बने हुए थे और अभी हमारे चौक में आए हैं, तो ये हमारे वहाँ पे खेल रहे हैं। शाम के टाइम पे मम्मी लोग सभी खेत गए थे घास वगैरह करने के लिए, और मैं और मेरी ताई की लड़की यहाँ पे इनको देख रहे थे बच्चों को। सीधे 16 तारीख की शाम का वीडियो है, सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और बनाया होगा वो मैं अलग से ऐड करूँगी। बहन की बेटी के बाल कटाए थे हमने, काटे थे मेरे पापा ने, और ये देखो चावल भिगा के आरसे के लिए, ये चावल का आटा कूटा जा रहा है, और पहले ओवरनाइट चावल को भिगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको निठारा मतलब उसका पानी निकाला जाता है, और उसके बाद इसको कूटा जाता है, तो ये होता है पीठा, इसको पीठा बोलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए आगे तक इस वीडियो में।